सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। वेलकम टू लुधियाना, द इंडस्ट्रियल हब ऑफ इंडिया। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं आपको दिखाऊंगी लुधियाना का फेमस स्ट्रीट फूड। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। लुधियाना स्ट्रीट फूड 2 की शुरुआत मैं करूंगी नान के साथ, और ये कोई ऐसी वैसी नान नहीं है, ये है विजय कुमार नान वाले जी की स्पेशल ड्राई फ्रूट नान। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे बनाई जा रही है फ्रेश तंदूरी नान, और ये देखिए इनकी ड्राई फ्रूट नान का ना जो मसाला है वो है ये। चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये मसाला बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले इस मसाले में लिया जाता है कैरेट एंड कैबेज, और अब उसके बाद इसमें मिलाया जाता है ग्रेटेड पनीर। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लोड्स एंड लोड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। वाओ, और ये देखिए गाइस, अब मेरी नान बनना स्टार्ट हो गई है, और क्या बढ़िया तरीके से हाथों से थेप थेप के इसको बेला जा रहा है, और अब ये गई सीधे तंदूर के अंदर। वाओ, क्या मस्त मस्त कुरकुरी नान निकली है इसमें से। तो गाइस, यहाँ आगे मेरी ड्राई फ्रूट नान, एंड जस्ट लुक एट इट, इट्स लोडेड विद बटर, और इसके ऊपर इन्होंने अजवाइन भी लगाई हुई है, उसके साथ आपको दी जाती है चटनी, प्याज, और ये है इनके छोले जिसके ऊपर इन्होंने डाली है कोफ्ता करी, और कोफ्ता देख रहे हैं वो बना हुआ है खोए और पनीर के साथ। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। वाओ, दम गरम है। इतनी बढ़िया है ये नान कि मैं आपको क्या बताऊं, एकदम खस्ता और कुरकुरी है, और इट्स लोडेड विद ड्राई फ्रूट, और ये कोफ्ता करी की तरह बहुत ही कमाल की लग रही है। आखिरकार इसी स्वाद के लिए तो आई हूँ मैं पंजाब। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ पन्ना सिंह जी पकौड़े वाले के यहाँ, और यहाँ पे बन रहे हैं मेरे पीछे खूब सारे पकौड़े। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर बनाए जा रहे गर्मा गर्म पकौड़े, और इधर भी देखिएगा एकदम पाइपिंग हॉट। ओह माय गॉड, आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस। तो गाइस, ये आगे मेरे गर्मा गर्म पकौड़े, एंड जस्ट लुक एट इट, कितने क्यूट से है ना, और इसके साथ आपको दी गई है हरे धनिया की चटनी और मीठी चटनी। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। वैसे ये कहीं आपको मुंबई के वड़ा पाव के वड़ा तो नहीं लगे? नो नो नो, ये वो नहीं है, ये है पनीर के पकौड़े। तो चलिए ट्राई करते हैं। इनका पनीर इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं, और जो इनकी आउटर कवरिंग है ना वो बहुत ही थिन एंड क्रिस्पी है, एंड मैं देख सकती हूँ इसके अंदर इन्होंने स्टफ करा है धनिया का मसाला जो बहुत ही स्पाइसी है। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगी लुधियाना का एक ऐसा स्ट्रीट फूड जो बच्चों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है, और आपको पूरे लुधियाना में बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, एंड दैट्स नूडल बर्गर। जी हाँ, यहाँ पे बर्गर के अंदर भर दिए जाते हैं हाका नूडल्स। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बनते कैसे। सो सबसे पहले बर्गर बन को इस तरीके से बटर के अंदर सेका जाता है, और अब इसमें लगा रहे हैं अपनी तंदूरी मेयो,
और अब देखिएगा कितनी ब्यूटीफुली ये इस बर्गर बन के अंदर टमेटोज एंड क्यूकम्बर को लगा रहे हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हाका नूडल्स। और अब इस तड़कते भड़कते नूडल्स को देख रहे हैं क्या ब्यूटीफुली बर्गर के अंदर सेट कर रहे हैं ये। अब इसके ऊपर डालेंगे कोल्सलॉ एंड पनीर। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आलू पैटी एंड सम चीज। वाओ एंड दैट्स इट। सो गाइस ये आ गया मेरा नूडल बर्गर एंड जस्ट लुक एट इट, इट्स लोडेड। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। दिस बर्गर इज सो 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 डिलीशियस कि मैं आपको क्या बताऊं। एंड ये जो नूडल और बर्गर का कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज सुपर्ब। सो गाइस मैं आ गई हूँ चिंटू दी हट्टी जो कि जामा मस्जिद के पास लोकेटेड है, और इनकी आलू की टिकिया खाने के लिए जरा नजर उठाइए कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। ओ माई गॉड, आई डोंट नो मेरा नंबर कब आएगा। तो चलिए जरा चल के नंबर लगाते हैं। सो ये देखिए गाइस, इस आलू की टिकिया के अंदर क्या यूनिक स्टाइल से दाल का मसाला भरा जा रहा है। दिस इज सीरियसली अमेजिंग। वाओ, जब ये आलू की टिकिया तली जाती है तो कितनी सुंदर और माउथ वाटरिंग लगती है ना। तो गाइस बड़ी देर के और बड़ी मशक्कत के बाद में ये टिकिया मेरे हाथ लगी है एंड जस्ट लुक एट इट। इसको टॉप किया है मीठे दही और खट्टी मीठी चटनियों के साथ, उसके साथ ही में मूली भी डाली हुई है। भाई जरा हम भी देखें कि इस टिकिया में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए लोगों की इतनी सारी दीवानगी है। ऑलराइट, ओ इन गोस फर्स्ट बाइट। बहुत गर्म है सीरियसली, ये टिकिया बहुत ही गजब की है। ये बाहर से तो बहुत कुरकुरी है और इसके अंदर मैं देख सकती हूँ इन्होंने भरा हुआ है दाल का मसाला जो बहुत ही स्पाइसी है, और इनके जो स्पेशल मसाले पड़े ना वो बहुत ही लाजवाब है। उसके ऊपर जो सारा कमाल है ना वो है इनकी खट्टी मीठी चटनियों का। सो गाइस मैं आ गई हूँ मित्तल प्रकाश जी के यहाँ जो कि ब्राउन रोड के पास लोकेटेड हैं, और ये अपने छोले भटूरों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो गाइस ये आ गए मेरे छोले भटूरे, और ये देखिए ये इनके छोले, और ये देख रहे हैं कितना सुंदर कलर है इसका। ये काले वाले छोले हैं और इसके साथ आपको दिया गया है प्याज चटनी और गाजर और अदरक का अचार। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं ये फूले फूले भटूरे। ओके ऑलराइट, और इन छोलों के ऊपर आलू भी डाला हुआ है इन्होंने। भाई भटूरे तो लाजवाब हैं, एकदम सॉफ्ट हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। और ये जो इनके छोले हैं ना वो कुछ डिफरेंट हैं, इनमें इन्होंने अपना यहाँ का बना हुआ पिसा हुआ मसाला डाला है, प्लस इसके अंदर ना अदरक का भी बहुत ही बढ़िया स्वाद आ रहा है। तो गाइज अब मैं आ गई हूँ जी स्टार जो कि हर गोविंद नगर में लोकेटेड है, और ये अपने मलाई चाप के लिए बहुत फेमस है। तो चलिए ट्राई करते हैं इनके मलाई चाप। सो गाइज यहाँ जी स्टार पे आपको बहुत तरीके के सोया चाप खाने को मिल जाएंगे, और जो मैंने ऑप्ट करे ना वो है ये मलाई चाप। ये देख रहे हैं क्या बढ़िया तरीके से इनको कोयले की ग्रिल के ऊपर सेका जा रहा है, और इस सोया चाप को चॉप करने के बाद अब इसमें डालेंगे कुछ अपने स्पेशल मसाले एंड ढेर सारी क्रीम। वाओ एंड दैट्स इट। सो गाइस ये आ गए मेरे मलाई चाप एंड जस्ट लुक एट इट, इट्स लोडेड विद क्रीम। उसके साथ आपको दिया जाता है कोल्ड स्लॉ, मिंट चटनी एंड तंदूरी मेयो। सो कम ऑन लेट्स डिग इन।
ऑल राइट। दिस चाप इज सो क्रीमी एंड सो डिलीशियस, और इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है क्योंकि इसको सिगड़ी पे सेका गया है, प्लस इन्होंने जो ना इसके ऊपर चाट मसाला डाला है ना, वो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर डाल रहा है इसमें। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ पटियाला A1 ढाबा, जो कि पटियाला लुधियाना हाईवे पे लोकेटेड है, और ये अपने बिरयानी पुलाव के लिए बहुत फेमस है, तो चले ट्राई करते हैं। तो गाइस, ये आ गया मेरा बिरयानी पुलाव, और ये देखिए इसको टॉप किया है इन्होंने टमेटो ग्रेवी के साथ, प्याज मूली और क्यूट से लिटिल मिर्ची के पकौड़े के साथ। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। ओके, ये तो एकदम वैसी है जैसी मुझे पसंद है। इनकी जो टमाटर की ग्रेवी है ना, उसके अंदर मुझे जिंजर गार्लिक का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। तो चलिए अब ज़रा ये पकौड़े को भी ट्राई करते हैं। अरे ये बहुत ज़्यादा तीखा है, छोटी ग्रीन वाली चिली होती ना वो है, ये सुपर तीखा है ये। इट्स डिजर्ट टाइम। सो गाइस, तीखी तीखी बिरयानी के बाद अब मैं खाऊंगी ठंडा ठंडा मीठा मीठा कुल्फा। सो सबसे पहले फालूदा को इस तरीके से ग्लास में लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे काटी जा रही है मेरी मलाई कुल्फी, और अब ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर डाला जा रहा है शुगर सिरप। एंड आई हाय, ये रबड़ी देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। एंड फाइनली अब इस कुल्फे को टॉप किया जाएगा थिक एंड क्रीमी रबड़ी के साथ। वाओ, तो गाइस ये आ गया मेरा कुल्फा, एंड जस्ट लुक एट इट, दिस इज सो क्रीमी। वैसे इस कुल्फे को बनाया गया है रबड़ी फालूदा और कुल्फी के साथ, तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। ओके, वाओ, व्हाट एन अमेजिंग कुल्फा, और ठंड के मौसम में ना ये कुल्फा खाने का तो अपना ही अलग मज़ा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया लुधियाना स्ट्रीट फूड कवर करके, और लुधियाना से अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।